हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जेबीटी भर्ती मामले में बीएड डिग्री धारकों के हित में दिए फैसले पर रोष जताते हुए मंडी जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। जेबीटी बेरोजगार प्रशिक्षु संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर और जेबीटी द्वितीय वर्ष की छात्रा लक्षिता शर्मा का कहना है कि अन्य प्रदेशों में जेबीटी को वरीयता दी गई है, वहीं हिमाचल में जेबीटी विरोधी फैसला किसी सूरत में जेबीटी प्रशिक्षु द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें। उन्होंने कहा कि जब तक उनके हक में कोई फैसला नहीं लिया जाता है तब तक जेबीटी प्रशिक्षु कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। आप देखिए कि देश के अलग अलग राज्यों में न्याय की जो है अलग अलग यहाँ पे आप भूमिका देख रहे हैं। एक तरफ राजस्थान में जो है पिछले दो दिन पहले जेबीटी के हक में फैसला दिया जाता है, और एक तरफ जो है हाईकोर्ट में, कल हिमाचल हाईकोर्ट में यहाँ पे जेबीटी के खिलाफ फैसला दिया जाता है। तो एक न्याय के ऊपर, जजेस के ऊपर और कोर्ट के ऊपर भी एक चुनौती है कि कैसे जो है जो न्याय है स्टेट टू स्टेट चेंज हो रहा है। अगर जो न्याय राजस्थान में हुआ, क्या वैसे जेबीटी यहाँ पे नहीं है कि वैसे जेबीटी के बेरोजगार लोग यहाँ पे नहीं है? अगर या इसका तो सही मायना वो हो गया कि राजस्थान में कांग्रेस अगर गवर्नमेंट है, अगर वो जेबीटी का सही से पक्ष अगर हाईकोर्ट में ले रही है, इस वजह से वो क्या केस जीते हैं वहाँ पर? क्या यहाँ पे जयराम सरकार यहाँ पे हिमाचल में पिछले 3 साल से क्या कर रही थी? जब जेबीटी के लिए हमने काफ़ी यहाँ पे रैलियाँ निकाली, हमने काफ़ी इनके पास बार बार हम गए, और ऐसा नहीं है कि हमने इनके पास डिमांड नहीं रखी, बल्कि सीएम साहब के पास हमने काफ़ी यहाँ पे मांग पत्र दिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई भी इस तरह का हम देख पा रहे हैं कि जजमेंट में भी कुछ जेबीटीज के लिए नहीं रखा गया है। तो आज से हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चों को हम सरकार के खिलाफ लड़े, क्योंकि सरकार हमारे साथ है ये हमें भी पता है, लेकिन इनकी जो मांग है वो भी जायज़ है कि हम लोग जेबीटी आखिर करें तो करें क्यों, और यही हम आगे चाहेंगे कि जो जेबीटी जो डाइट है और प्राइवेट कॉलेज है कि इन लोगों का कहना कि हम जो है कंटिन्यू क्लासेस का वॉकआउट करेंगे जब तक जो है सरकार सामने आकर जेबीटीज के लिए आगे नहीं लड़ती, सुप्रीम कोर्ट में जो SLP फाइल नहीं करती। मंडी से ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।